वेल well, तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोविंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कंप्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना एहसीो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है उसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण और उसी के साथ साथ मिनीषा लिम्बा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोनेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना है हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फ़ाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कम्प्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुज़ारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है इसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को आसपॉयल हो जाएगा सारा का सारा मजा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण और उसी के साथ साथ मिनीषा लिंबा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज की बात करें तो वहां पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना एह सीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरअजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फ़ाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल well, तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कम्प्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है उसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोन और उसी के साथ साथ मिनीषा लिंबा आप, लो आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसके साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना एहसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल well, तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कम्प्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है इसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण और उसी के साथ साथ मिनीषा लिंबा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना है हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन हैं तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल well, तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ तो देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कम्प्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है इसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोन और उसी के साथ साथ मिनीषा लिम्बा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितेन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोनेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोनेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना ए हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई आर एफ देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कंप्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है उसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोन और उसी के साथ साथ मिनीषा लिंबा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े अन्य बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेसन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना ए हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फ़ाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ तो देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कंप्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उन को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है उसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को आस्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मजा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण और उसी के साथ साथ मिनीषा लिंबा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े अन बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम बचना एह सीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फ़ाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन, इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर कर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सरअंजाम दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कंप्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है इसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण और उसी के साथ साथ मिनीषा लिम्बा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना ए हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कंप्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है इसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को आसपॉयल हो जाएगा सारा का सारा मजा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण और उसी के साथ साथ मिनीषा लिंबा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रमपम बचना है हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कम्प्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है इसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोन और उसी के साथ साथ मिनीषा लिंबा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना ए हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जा देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल well, तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कम्प्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है उसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण और उसी के साथ साथ मिनीषा लिंबा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना है हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन हैं तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल well, तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा ख़ासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कंप्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है इसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को आसपॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोन और उसी के साथ साथ मिनीषा लिम्बा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेसन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना ए हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल well, तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ तो पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कंप्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना एहसीो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है उसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोन और उसी के साथ साथ मिनीषा लिम्बा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसके साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना ए हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ान प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल well, तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कम्प्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनों यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है उसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को आसपॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण और उसी के साथ साथ मिनीषा लिम्बा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64% तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना है हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई आर एफ देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कम्प्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको सारी की सारी इन्फॉमेसन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है इसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोन और उसी के साथ साथ मिनीषा लिंबा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना ए हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कम्प्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनों यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है इसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण और उसी के साथ साथ मिनीषा लिंबा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोनेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज की बात करें तो वहां पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रमपम बचना बचना हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरअंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फ़ाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ तो देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कम्प्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है उसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोन और उसी के साथ साथ मिनीषा लिम्बा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना एह सीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कंप्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है उसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोन और उसी के साथ साथ मिनीषा लिंबा आप लोगों लो को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें अन बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना है हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सरंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कंप्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है इसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को आस्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोन और उसी के साथ साथ मिनीषा लिंबा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना है हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सरअंजाम दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेन्ज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई आर एफ देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू तो मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कंप्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना एहसीो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको सारी की सारी इन्फॉमेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है इसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोन और उसी के साथ साथ मिनीषा लिम्बा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना ए हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ान प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जा देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल well, तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कम्प्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है इसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को आसपॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण और उसी के साथ साथ मिनीषा लिम्बा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64% तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रमपम बचना है हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल well, तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा ख़ासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कंप्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है इसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोन और उसी के साथ साथ मिनीषा लिंबा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेसन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जी सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना है सीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल well, तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ तो देख लेंगे देन तो आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कम्प्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनों यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है इसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा क्योंकि इससे आप लोगों को आस्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मजा जो है वो खराब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण और उसी के साथ साथ मिनीषा लिंबा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना एह सीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फ़ाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते वेल तो जी रणबीर कपूर अभी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक बन चुके हैं जी हाँ इनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग नहीं है यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है एंड यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है वो करियर बना लिया है तो यहाँ पर हम इन्हीं की एक और न्यू और बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं अगर आप लोग इनके फ़ैन हैं एंड इनकी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी न्यू मूवी आए एंड हम लोग उसे वॉच करें तो यार अभी इनकी पुरानी मूवीज़ तो देख लें अगर आप लोग पुरानी मूवीज़ तो देख लेंगे देन आप लोग इनकी न्यू मूवीज़ पर यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर हम इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं जिसका नेम है जी यहाँ पर बचना ए हसीनो जिसके नेम से ही हमें काफी कुछ जाहिर हो जाता है कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है जी हाँ ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें आप लोग कंप्लीटली इंगेज रहोगे यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज़ की गई मूवी बचना ए हसीनो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली आप लोगों का इससे कुछ नहीं जाएगा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन लाजमी मिल जाती है इस चीज़ से तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग से क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होती है एक मूवी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरी लाइन उसके बाद यहाँ पर होती है उसकी कास्टिंग और उसके बाद डायरेक्शन ये तीन चीज़ें अगर अच्छे तरीके से संभाली जाएँ तो मूवी को ब्लॉक बस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी लाइन की बात करें तो वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों को स्पॉयल हो जाएगा सारा का सारा मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्टिंग पर बता देता हूँ कास्टिंग में कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को रणबीर कपूर बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोन और उसी के साथ साथ मिनीषा लिम्बा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक कुणाल कपूर पुनीत इसार हितिन पेंटल और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें जेनर की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को रोमांस कॉमेडी देखने को मिलेगी आई रेटिंग की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 6.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 64 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए बट यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या है एंड डायरेक्शन को किसने हैंडल किया है तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो संभाली है जिस सिद्धार्थ आनंद ने जो कि एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं इन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को सलाम नमस्ते तारा रम पम बचना ए हसीनो अनजाना अनजानी बैंग बैंग वॉर पठान और अपकमिंग में आप लोगों को फाइटर देखने को मिलेगी तो बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में है एंड अभी फाइनली कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है जिस इन, इन इस मूवी को इंडिया में ही एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जा कर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बट अभी यहाँ पर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड प्रोड्यूसर्स कौन है तो स्टोरी लाइन को आदित्य चोपड़ा ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को हैंडल किया है स्टो, स्टोरी लाइन के बाद स्क्रीन प्ले की बात करें तो देविका भगत इस मूवी के स्क्रीन प्ले को हैंडल करने वाले हैं एंड डायलॉग्स को अनविता दत्त गुप्तन ने संभाला जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम सर दिया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें बात करें प्रोड्यूसर्स की तो आदित्य चोपड़ा ही इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में भी देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी को सुनील पटेल ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभाला है जी रितेश सोनी ने सॉन्ग्स की बात करें तो विशाल और शेखर ने सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया एंड बीजीएम को यहाँ पर सालिम और सुलेमान ने हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी में वाई देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी है तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक चांस दे सकते